अतिक्रमण के नाम पर उजाड़े गए प्रभावितों से मिले पूर्व सीएम हरीश रावत। मंगलवार को पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रशासन की तरफ से बाजार में मचाए गए तांडव का नजारा देखा। उन्होंने नकुलिया चौराहे से लेकर रामपुरा कब्रिस्तान तक उजाड़े गए व्यापारियों से वार्ता की। इसके बाद व्यापारियों का दर्द झलक उठा। उन्होंने प्रशासनिक अफसरों पर दमनकारी नीति का आरोप लगाया। प्रभावितों ने कहा कि जानबूझकर उन्हें प्रशासन ने उजाड़ा है, अदालत के आदेश का अफसरों ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, उनकी दुकान मकान तोड़ दिए हैं, इस वजह से वह बेघर हो गए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने अतिक्रमण की कार्रवाई को फुटबॉल का मैदान बताते हुए अंधेर नगरी चौपट राजा बताया। उन्होंने कहा कि शहर के रोड सामान्य आवागमन के लिए व्यवस्थित थे, बड़े वाहनों के आवागमन के लिए नेशनल हाईवे शहर के बाईपास से गुजरते हैं। कहा कि अतिक्रमण हटाना था तो व्यापारियों के साथ सहमति करनी चाहिए थी। खुंदक भी व्यापारियों को उजाड़ा गया है, इसके खिलाफ अब अदालत में लड़ाई चल रही है। इस दौरान उन्होंने मुख्य सचिव उत्पल कुमार से वार्ता की, साथ ही स्थानीय प्रशासन पर तानाशाही कार्रवाई का आरोप लगाते हुए रोष जताया। अंधेर नगरी चौपट राजा है और जिस तरीके से सामान्य रोड को जो है फुटबॉल का ग्राउंड बनाने की कोशिश की जा रही है, सबके घर के ऐसा लग रहा है कि हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग जो है आगे आगे शासन में बैठे, हम ऐसे लोगों के खिलाफ जो कांग्रेस सत्ता में आएगी हम ध्यान।